सो हेलो ऑडियंस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल होने वाले WWE का एक बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट जिसका नाम है क्लैश ऑफ द कैस्टल, जहां पर होने वाला एक बड़ा मैच जो कि होगा रोमन रेंस एंड ड्रू मैकइंटायर के बीच अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप्स के लिए। तो यहां पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं उसी मैच के बारे में कि उस मैच की एंडिंग किस तरीके से हो सकती है और क्या इस मैच में हो सकता है द फीन्ड ब्रे वाइट का रिटर्न या फिर कैरन क्रॉस इस बीच मैच में कुछ कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे या फिर तो डिस्कशन करेंगे। तो फटाफट से हम लोग अपनी इस नई वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, जब से इस फ्यूड में कैरन क्रॉस आए हैं और वो मैकइंटायर पे अटैक कर रहे हैं तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। और मैकइंटायर ने अपने एक रिसेंटली इंटरव्यू में कहा था, जो कि मैंने आप सभी को बताया भी था, कि पहले मैं रोमन कराऊंगा बाद में कैरन क्रॉस की साइड जाऊंगा। तो इतना तो कन्फर्म है कि मैकइंटायर एंड कैरन क्रॉस की फ्यूड कभी ना कभी तो होनी है। और आप लोग भी बात सोचो यार, जब से कैरन क्रॉस ने अटैक किया मैकइंटायर पर, उसके बाद से वो दिखाई कहाँ दिए हैं। मतलब वो कैरन क्रॉस से आमने सामने नहीं आए हैं, जस्ट प्रोमोबाजी हो रही है। तो मेरे हिसाब से मे बी क्लैश ऑफ द कैस्टल में जो हमारे कैरन क्रॉस है वो इस मैच में इन्वॉल्वमेंट दे सकते हैं और कुछ बड़ी चीज़ कर सकते हैं जिससे फैंस पूरी तरीके से कैरन क्रॉस के लिए पागल हो जाएं। और मतलब हेट तो उन्हें मिलेगी क्योंकि मैकइंटायर का होम टाउन है, लेकिन कैरन क्रॉस इससे एक बड़े स्टार और भी बन सकते हैं क्योंकि ये बड़ा मैच है और इस बीच मैच में कैरन क्रॉस का आना काफ़ी बड़ा बज क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पर कैरन क्रॉस की इन्वॉल्वमेंट भी हम सभी को इस मैच में देखने को मिल सकती है। और इस मैच की रेसलिंग की बात करें तो भाई रेसलिंग तो काफ़ी कमाल की होने वाली है। और रिपोर्ट में बताया गया था कि 15 से 20 मिनट हर मैच को टाइम दिया गया है क्लैश ऑफ द कैसल के शो में। मतलब जैसा NXT के शोज में हुआ करता था वैसे ट्रिपल एच यहाँ पर भी दे रहे हैं। मतलब एकदम रेसलिंग वाइज तो काफ़ी कमाल का ये मैच होने वाला है। तो आप लोग टोटली जो रेसलिंग वाले फ़ैन हैं उनको तो ये मैच देख के ज़रूर से मज़ा आएगा। और यहाँ पर एंडिंग क्या हो सकती है, तो देखो यार एंडिंग कुछ इस तरीके से होती है, हो सकती है या फिर मैकइंटायर जीतेंगे या फिर रोमन रिटेन करेंगे। और अगर रोमन रिटेन करते हैं तो उसके बाद हो सकता है मे बी द फीन्ड का रिटर्न। और यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन का भी रिटर्न हो सकता है, क्योंकि मैं आपसे बता दूं कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स बताया गया है कि ब्रॉन स्ट्रोमन का रिटर्न WWE के अंदर एकदम पक्का है। क्लैश ऑफ द कैस्टल में नहीं तो मंडे नाइट रॉ में तो एकदम कन्फर्म ही मान लो आप सभी ब्रॉन स्ट्रोमन का रिटर्न। और वैसे यार अगर स्ट्रोमन इस मैच में हमने रिटर्न करेंगे तो कोई सेंस तो बनेगा नहीं, लेकिन तभी WWE कुछ ना कुछ सेंस तो बनवा ही सकती है। क्या पता भाई, कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर स्ट्रोमन का रिटर्न पक्का है तो कुछ बड़ी चीज़ के लिए होगा। वैसे काफ़ी सारे लोग चाह रहे हैं और मैं भी चाह रहा हूँ कि ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेज बॉबी लैशली हो यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप के लिए। तो ये काफ़ी सही चीज़ हो सकती है अगर स्ट्रोमन लैशली के सामने है, लेकिन तब भी मैं एक वाली चीज़ बता रहा हूँ कि हाँ ये भी हो सकता है। बाकी द फीन्ड का तो काफ़ी चांसेस लग रहे हैं कि हाँ वो भी आ सकते हैं इस शो में। और भाई पहले भी रिपोर्ट में बताया गया था कि WWE इस मैच की एंडिंग ऐसी करवाएगी जिसको देखकर काफ़ी सारे लोग शॉक हो जाएंगे या फिर ऑलमोस्ट सभी हो जाएंगे और इसके बारे में बात की जाएगी। तो WWE ऐसी चीज़ें करवाने का ट्राई कर रही है और ऐसी चीज़ों में द फीन्ड का नाम आता है, क्योंकि लोग कैरन क्रॉस को देख के तो इतने हाइप नहीं होंगे, लेकिन द फीन्ड जो कि लगभग 1.5 साल से गायब हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उनको देखकर काफ़ी सारे लोग शॉक हो जाएंगे जो कि उनको वापस से WWE में देखना चाहते हैं। बाकी भाई अगर एकदम बढ़िया एंडिंग होती है, मैकइंटायर जीतते हैं कुछ नहीं होता है, तो उसमें भी ठीक है यार, कुछ नहीं होगा क्योंकि मैकइंटायर की भाई बढ़िया एंट्री होनी है, उन्हीं का होम टाउन है, वो वीडियोस वगैरह काफ़ी डाल रहे हैं और ये वीडियोस उन्होंने लेसनर के मैच के पहले भी डाली थी। तो यहाँ पर काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मैकइंटायर ही सुपर बनेंगे न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। और मुझे पता है काफ़ी सारे रोमन के फैंस नाराज़ हो रहे होंगे इस बात से, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, अब कभी ना कभी तो रोमन के टाइटल का रोमन के टाइटल रेन का एंड होना ही है। बाकी आप लोग क्या सोचते हो रोमन रेंस एंड ड्रू मैकइंटायर के मैच के बारे में जो कि कल होने वाला है, मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बता देना। सो वेल हमारी जो आज की वीडियो थी वो वहीं तक की थी। अगर पसंद है तो लाइक करना, कहीं मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचती रहे। सो वी विल सी माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।